हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने जोडियक साइंस और प्लैनेट के रिलेशनशिप को बताया था। अब आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिप्लिसिटी, ट्रिप्लिसिटी ऑफ जोडियक साइन। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए हमें राशियों का, जितने भी जोडियक साइंस हैं, उनको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। उनके कैरेक्टर और उनके नेचर को जानने के लिए हमें ट्रिप्लिसिटी ऑफ जोडियक साइन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रिप्लिसिटी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है और इसका काफ़ी वैल्यू है। अगर आप ध्यान से ट्रिप्लिसिटी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेडिक्शन पार्ट में। तो आइए वन बाय वन हम ये जानते हैं कि जोडियक साइंस को हम किस तरह से एलिमेंट्स और नेचर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जोडियक साइन की नेचर पर। नेचर के अकॉर्डिंग हम जोडियक साइन को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। तो जस्ट इसे देखिए आप, यहाँ मैंने ये आपके लिए, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जोडियक साइन को हम नेचर के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में बांटते हैं, मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल साइन। मूवेबल साइंस के अंदर आते हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। एंड फिक्स साइन में आने वाली राशियां हैं टॉरस, डियो, स्कॉर्पियो एंड अक्वेरियस। ड्यूअल साइन में जो राशियां आती हैं वो हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। अब हम चलिए इन सभी के मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल का बेसिक नेचर क्या है, इसके अंदर आने वाली जितने भी जोडियक साइन है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। मूवेबल साइन, मूवेबल साइन के लोग इनिशिएटर होते हैं। वो कोई भी चीज़ को इनिशिएट करने में सबसे आगे होते हैं। किसी भी काम को अगर आगे बढ़ाना है या किसी भी काम के लिए अपना योगदान देना है तो वहाँ मूवेबल साइन वाले आपको दिखाई देंगे। ये किसी भी काम को हमेशा आगे लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी स्थान पर एक ही जगह पे लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये लोग वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मूव करते हैं। इन्हें डे टू डे में होने वाली जो भी नई चीज़ें हैं उसकी जानकारी बहुत ही अच्छे से होती है। ये बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स भी बनाते हैं और बहुत मूवेबल साइन के लोग ऐसे होते हैं जो उतना ही जल्दी फ्रेंड्स को से उनका मन भर जाता है और वो दूसरे उस फ्रेंड को छोड़कर कहीं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास में कुछ लोग बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करते हैं, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं जॉब, मूवेबल साइन के अंदर आते हैं। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है मूवेबल साइन का कि ये किसी भी काम में इंटरेस्ट को बहुत ही आसानी से लूज़ कर देते हैं। थोड़े समय के बाद उनको इस काम में मन नहीं लगता और उसके बाद वो इस काम को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मूवेबल साइन की क्वालिटीज क्या होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर साइन, दैट इज फिक्स। तो दोस्तों ये देखो फिक्स साइन की क्वालिटीज क्या होती हैं। फिक्स साइन के लोग, जैसा आपको नाम से भी क्लियर है, ये किसी भी काम को इतनी आसानी से नहीं करते। आपको उनको किसी भी काम के लिए पुश करना पड़ता है कि तुम्हें ये काम करना है। देन दे विल थिंक कि ओके, अच्छा चलो मुझे करना है, एंड देन दे विल स्टार्ट। लेकिन एक बार अगर इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो फिर ये उस काम से पीछे नहीं हटते। वो किसी भी कॉस्ट पर, इवन दो कि उनका उस काम में लॉस हो रहा है, फिर भी उस काम को करते हैं। फिक्स साइन वाले पिलर ऑफ द सोसाइटी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने अगर कोई काम असाइन किया है तो ये डेफिनेट है कि आपका काम पूरा होकर आपको वापस मिलने वाला है। ये ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपके जीवन में हर वक्त काम आते हैं, चाहे आपके अच्छे समय हो या आपके बुरे समय हो। तो दोस्तों हमारे जैसे लोगों को एक फिक्स साइन का फ्रेंड्स जरूर रखना चाहिए। ये लोग ट्रस्ट वर्थी होते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम यही होता कि ये किसी भी काम को इनिशिएट नहीं करते और काफ़ी जिद्दी होते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर साइन, ड्यूअल। ड्यूअल जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों फिक्स्ड और मूवेबल दोनों की क्वालिटीज़ को साथ लेकर चलते हैं। ये
ऐसे बंदे होते हैं जो दो नाव पर एक ही साथ पैर रखते हैं, अर्थात ये अपना बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, ये अपना फायदा और नुकसान देखते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। हाँ, दो नाव पर पैर तो जरूर होता है इनका, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब गिरने वाले हैं, ये फटाक से एक नाव की तरफ चले आते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जिस काम में उनको ऐसा लगने लगे कि भाई मेरा बहुत नुकसान है, तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। ये इनिशिएट तो नहीं करते, जल्दी इनिशिएट नहीं करते बिना होमवर्क किए, उसकी लॉजिकल रीजनिंग किए हुए, लेकिन एक बार काम स्टार्ट हो गया तो उसको किसी भी कॉस्ट पे कोशिश करते हैं पूरा करने का। लेकिन जैसे ही ऐसा महसूस हुआ कि भाई इस काम में मुझे अपना लॉस हो रहा है, तो वहीं वो काम छोड़ देते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनसे कमिटमेंट की उम्मीद ना रखें। ये कमिट करेंगे, इनको खुद ही नहीं पता होता कि ये काम करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, इसलिए कमिटमेंट इनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि ड्यूअल साइन की क्वालिटीज क्या होती है। अब हम मूव करते हैं कैरेक्टर पर। कैरेक्टर के बेसिस पर हम इन जोडियक साइन को चार एलिमेंट्स में बांटते हैं, और ये चार एलिमेंट्स हैं फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। फायर साइन के अंदर आने वाली जो राशियां हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन में आती हैं जो राशियां वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन की राशियां हैं जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन में आने वाली राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं और ये किस तरह का कैरेक्टर शो करते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी पाई जाती है। लेकिन आप अगर इनके पास करने को कुछ नहीं है तो ये रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर आप इनको ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ इनकी एक्टिविटी कम है, तो ये परेशान होने लगते हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं। कहाँ क्या बोलना है ये इनको समझ ही नहीं आता, ये फील नहीं कर पाते कि सामने वाले को मेरी बात का बुरा लगेगा, और वो पब्लिकली उसको इस तरह की बातें बोल देते हैं। ये कहीं भी सभा में जाएं तो ये कोशिश करते हैं कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों और इनसे बातें करें, इसके लिए वे कुछ ना कुछ योगदान जरूर करते हैं। ये इनिशिएटर भी होते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, आसपास में क्या है नहीं है, जो चीज़ें नहीं हैं उसको वो अच्छे से समझ करके उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो रिसोर्स को लाने की कोशिश करते हैं दूसरों के लिए। तो ये हो गई हमारे फायर एलिमेंट की बात। अब फायर एलिमेंट के अंदर आने वाली जो राशियां हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एरीज विच इज रूल्ड बाय मार्स एंड लियो इज रूल्ड बाय सन। नाउ लेट्स सी कि एरीज वाले बंदे किस तरह की क्वालिटी शो करते हैं। एरीज साइन वाले लोग इनिशिएटर होते हैं, ये किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और उसको आगे तक लेकर के जाते हैं। ये हमेशा मूव करते रहते हैं। लियो इज द साइन विच इज रूल्ड बाय सन। तो लियो की राशि वाले लोग थोड़े घमंडी होते हैं, मगर ये किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते, इनके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उसको मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं। लियो वाले बंदे से आप कभी भी दुश्मनी ना लें, क्योंकि इन लोगों से आप अगर दुश्मनी लेंगे तो ये अपनी लड़ाई का बदला जरूर लेते हैं, ये छोड़ते नहीं। सैजिटेरियस विच इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, तो ऐसे लोगों के पास विजडम ज़्यादा होता है, मूवमेंट तो इनके अंदर भी होता है, मगर ये ट्रैवलिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं और ये ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये आपने देखा कि हमारे फायर एलिमेंट की क्या क्वालिटीज़ होती है। अब नाउ लेट्स मूव टू द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और प्रैग्मेटिक होते हैं। जो साइन अर्थ एलिमेंट के अंदर आती हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस विच इज़ रूल्ड बाय वीनस,
Virgo ruled by Mercury and Capricorn ruled by Saturn. तो अभी आपने देखा कि अर्थ साइन की क्वालिटी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में इन्हें और भी जानते हैं। अर्थ साइन वाले लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं, कोई भी काम को बड़े सोच समझ के करते हैं और अंत तक करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आने वाली जो साइन है टॉरस, तो टॉरस गवर्न्ड बाय वीनस, टॉरस साइन का जो प्लैनेट है वो है वीनस। तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, इन्हें खाना, अच्छा पहनना और घूमना बहुत पसंद होता है, और इसके लिए वो ग्रेजुअली काम करते हैं और टिल द एंड, जब तक कि उनको ये सारी चीज़ें ना मिल जाए, और धीरे धीरे वो अपने लिए हर चीज़, हर लग्जरी का आइटम जमा करते हैं। ये एक्चुअली टॉरस साइन वाले लोग फिक्स साइन के अंदर भी आते हैं, जैसा आपको मैंने नेचर में बताया। तो इनमें क्या क्वालिटी आपको एक्स्ट्रा दिखेगी, तो ये जिद्दी भी होते हैं, ये बहुत जिद्दी होते हैं। अगर ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि इनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। इन्हें पार्टी करना बहुत पसंद है, घूमना और मस्ती करना बहुत पसंद है, तो ये पार्टी करते हैं। और टॉरस साइन वाले लोग की एक और विशेषता होती है जो काफ़ी खास होती है, ये लोगों से जो बातें करते हैं वो काफ़ी आराम से धीरे धीरे बात करते हैं। ये बातों से अपने सामने वाले को अच्छे से इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। और नेक्स्ट साइन जो है वर्गो, वर्गो की का रूलर प्लैनेट जो है, रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। मरकरी वाले लोग हैं ये, इसलिए ये थिंकर होते हैं, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है, ये गुड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे मैनेजर होते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। मगर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को के फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बन पाते, क्योंकि अगर फ्रेंड्स ज़्यादा, इनकी फ्रेंड्स, आप देखिए ये वर्गो है सिक्स हाउस में आता है, तो डेफिनेटली ये सिक्स हाउस जो है हमारा एनिमी का स्थान है, तो इसलिए भी इनके एनिमीज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है साइन वह है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न विच इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो वर्गो ये लोग काफ़ी अच्छी नौकरी में होते हैं, ये हाई प्रोफाइल जॉब को मेंटेन करते हैं, ये डिसीजन क्विक लेते हैं, लाइफ में कभी परेशान नहीं होते, कोई भी है अच्छा या बुरा वो डिसीजन तुरंत लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सीईओ होते हैं वो ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न राशि वाले होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी इंसान का सारे प्लैनेट्स अर्थ साइन में आ जाएं, तो क्या होगा ज़रा सोचिए। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं, बिना कैलकुलेटेड वो कोई काम नहीं करते, काफ़ी कैलकुलेशन से और वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करते हैं। भले ही इनकी ट्रेन छूट जाए, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन वो घर का सारा काम समाप्त किए बिना नहीं निकलने वाले, तो ये इनकी डिमेरिट हो जाती है। फिर भी ऑन एन एवरेज अर्थ साइन वाले लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और लाइफ में आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट में, ये देखिए एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट के लोगों का नेचर अब जानने की हम कोशिश करते हैं। एयर एलिमेंट में जो आने वाली राशियां हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एयर एलिमेंट के लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और किसी भी काम का बारीक, अगर बारीकी से किसी काम को करना है, डिफाइन करना है, तो इसमें एयर एलिमेंट के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बहुत ही रिफाइंड होते हैं और कल्चर्ड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इनकी, इसके अंदर आने वाली राशियां जो हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनी विच इज़ रूल्ड बाय मरकरी। दोस्तों आपको पता है कि जेमिनी का प्लैनेट कौन है, तो मरकरी है। तो जेमिनी राशि वाले लोग काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, लेकिन इनका कम्युनिकेशन जनरली वन टू वन होता है, ये ग्रुप में या मॉब में या पब्लिकली कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते, या वहाँ आप कह सकते हो कि इन्हें परेशानी होती है। तो इस तरह के लोग वन टू वन कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा करते हैं, और इसलिए आप अगर जॉब के डायरेक्शन से देखें तो जेमिनी वाले बंदे अगर काउंसलिंग जैसा काम करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं। द नेक्स्ट साइन इज लिब्रा। लिब्रा को सोशल कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, क्योंकि ये वीनस का साइन है, इन्हें लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
लिब्रा का इस तरह से है कि वो ग्रुप में रहना, लोगों में रहना, उनको लीड करना, ये काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस वाले पर्सन काफ़ी, उनमें इमोशंस की कमी पाई जाती है, वो काफ़ी ड्राई होते हैं और इमोशनल लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, यहाँ पर उनको इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपने देखा कि एयर साइन वाले का क्या है कैरेक्टर। अब ये जानिए कि अगर आपके सारे साइन एयर प्लैनेट में चले जाएं, एयर एलिमेंट में चले जाएं, तो क्या होगा। ऐसे बंदे जब जिनका सारा साइन, सारे प्लैनेट्स एयर एलिमेंट में चले जाते हैं, वो लोग अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर उनको आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका कुछ खबर ही नहीं होता, वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनकी एनालिटिकल स्किल काफ़ी कम हो जाती है और अगर काफ़ी टफ सिचुएशन आ जाए या विपरीत सिचुएशन आ जाए तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये दूसरों से बात नहीं करते, काफ़ी शाई नेचर के होते हैं और अंदर में ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के लोग सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा होता है, मगर ये हर चीज़ को दिल से सोचते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और इनका प्रॉब्लम ये है कि इन ये नॉन एनर्जेटिक होते हैं। साथ ही साथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये लोग लेज़ी होते हैं। अर्थ साइन के अंदर आने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर विच इज़ रूल्ड बाई मून, स्कॉर्पियो रूल्ड बाय मार्स एंड पाइसेस रूल्ड बाय जुपिटर। अब अगर किसी इंसान के सारे प्लैनेट्स अगर वाटर साइन में हो जाए तो क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा इंसान काफ़ी इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा और उसी की थोड़ा उसमें लेजीनेस होगी ज़्यादा। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इंसान वैसी जॉब करेगा ज़्यादा, वैसी जॉब में ज़्यादा हो सकता है जहाँ पर उसका कनेक्शन वाटर के साथ है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री है या फिशरी है, जो भी वाटर से रिलेटेड जॉब है उसमें जाने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से हम नेचर और कैरेक्टर से किसी भी पर्सन को डिफाइन कर सकते हैं। ये राशियाँ हैं और इन राशियों का अगर किसी भी आपके किस हाउस में ज़्यादा है उसी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले पर्सन का नेचर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। तो ये समझ लीजिए कि साइन जातक के माइंड को इंडिकेट करता है, इसलिए अगर जातक के प्लैनेट, सारे प्लैनेट लग्न, टेंथ हाउस या किसी एक ही एलिमेंट में हो तो उसका नेचर भी उसी एलिमेंट के जैसा हो जाता है। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसे बताती हूँ। जरा सा आप मेरा ये स्लाइड देखिए, मैंने यहाँ एक हॉरोस्कोप दिया है जिसमें मैंने ये सारे एलिमेंट्स दिए हैं। ये देखिए, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट। अब मैं आप ध्यान से देखिए और आप भी इसी तरह से जब आपके पास कोई हॉरोस्कोप आता है तो इस तरह से डिफाइन करके आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ फायर एलिमेंट में दो प्लैनेट्स हैं, मार्स एंड वीनस। तो ये देखिए, फायर प्लैनेट नंबर वन एरीज का प्लैनेट, एरीज राशि होती है। यहाँ देखिए मार्स है और पांच लियो, ये वीनस है। तो इनके फायर एलिमेंट में दो राशियाँ हैं, दो प्लैनेट हैं। अर्थ एलिमेंट में देखेंगे आप तो असेंडेंट है, जुपिटर है एंड केतु है। ये देखिए, ये अर्थ एलिमेंट है, वर्गो, और इसमें कौन कौन से प्लैनेट है, जुपिटर, केतु और लग्न है। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर तीन आ गए। इनके एयर एलिमेंट में कोई भी प्लैनेट नहीं है, आप देख सकते हैं ये खाली है, जेमिनी खाली है, लिब्रा खाली है, एक्वेरियस खाली है। तो इनके एयर एलिमेंट में कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब वाटर एलिमेंट को आप देखिए, तो यहाँ इनके वाटर एलिमेंट में सारे प्लैनेट्स भरे हैं, मून, सन, मरकरी एंड सैटर्न, और यहाँ देखिए राहु। तो इस ये जिनकी भी कुंडली है उनके अंदर वाटर एलिमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा गुण पाए जाएंगे और साथ ही साथ अर्थ एलिमेंट के।
तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक किसी एक एलिमेंट में ज़्यादा प्लैनेट हो तो जो नेटिव है उसका गुण उसके जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ये जिनका भी हॉरोस्कोप है ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे, सेंसिटिव होंगे और इमोशनल होंगे, क्योंकि इनके मैक्सिमम प्लैनेट अर्थ एंड वाटर एलिमेंट में है। तो अभी आपने अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से हमें साइंस को, जो जोडियक साइन है उसको एलिमेंट में डिस्क्राइब करना है, एलिमेंट में बांटना है, और उसके बाद हमें उस जो भी जिसका भी हॉरोस्कोप है उसकी पर्सनालिटी को, उसको अच्छे से उसके नेचर को समझना है। तो ये बातें एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ आप ये ट्रिप्लिसिटी को इतनी आसानी से ना लें, ट्रिप्लिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली सभी को, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ट्रिप्लिसिटी में क्या है, मुझे साइंस जानना है तो जान लिया, चलो प्रेडिक्शन पार्ट में जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप ट्रिप्लिसिटी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको प्रेडिक्शन पार्ट में जाकर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये ट्रिप्लिसिटी को अच्छे से समझिए। मैंने इसमें एक एक पॉइंट को काफ़ी कैटेगरिकली डिवाइड करके और एक्सप्लेन किया है। इसके जो भी मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में भी आपको दिखाया है, इसे आप नोट डाउन करें, दो चार बार पढ़ें और याद करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी राय जो है वो डालकर दे सकते हैं। तो तब तक की, जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।